Hello guys, this is Swati and I watched movie Downton Abbey a new era। देखिए जिन लोगों ने इसकी सीरीज़ देख रखी है उनके लिए तो ये डिलाइट है, क्योंकि जैसे MCU वर्ल्ड से कनेक्टेड जो लोग होते हैं उनके लिए कोई भी स्पिन ऑफ आता है, सीरीज़ आती है, कोई नई मूवी आती है, किसी भी कैरेक्टर को लेकर दूर का कैरेक्टर भी है तो एक आप उसको चेरिश करते हैं, मज़ा आता है। तो जो जिन लोगों ने डाउनटन एबी देख रखा है और वो सारे फैमिलीज़ को जानते हैं, क्रॉलीज़ को जानते हैं, उनके परिवार में जो बटलर्स हैं उनसे परिचित हैं, किस तरीके से उनका रिलेशन है अपने मास्टर्स से, उनको बहुत मज़ा आने वाली है इसमें, क्योंकि ये उस क्रॉली फैमिली को और ज़्यादा अंदर से जानने का मौका है। उनके घर में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है, एक अजीब जी सब सर्कमस्टांसेस आई है, उसको यहाँ इसमें दिखाया जा रहा है और मैंने इस मूवी को बहुत एंजॉय किया है। देखिए जिस तरीके से इंडियन सोप ओपरा होते हैं उसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स आपस में अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के बारे में उनका मॉरल कंपस जो है ज़्यादा छोटा होता है और वो लोगों को बहुत जज करते हैं, उनको लगता है कि जो रूमर है उससे कोई कैरेक्टरलेस इंसान है और वो चीज़ें धीरे 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 रिवील होती रहती हैं एपिसोड बाय एपिसोड। एग्जैक्टली वैसे ही डाउनटन एबी में भी एक ग्रैंड मदर हैं जिनके बारे में जिनको एक उनके पुराने लवर हैं उन्होंने एक फ्रेंच विला गिफ्ट किया है, अब उनके पास ये खबर आती है कि उनको विला मिला है और उनके पूरे घर में खलबली मचने लगती है। उनका जो ग्रैंडसन है वो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, उसको लगता है उसकी लीनियज क्या है और ये चीज़ जानने के लिए एग्जैक्टली पता करने के लिए बहुत सारा जद्दोजहद होता है। देन सेकेंड, यहाँ पर इनकी कुछ घर की हालत ठीक नहीं है तो उनको पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पर ये फिल्म मेकर्स को अलाउ करते हैं कुछ सेक्शन में मूवी बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो साइलेंट मूवी है उनका ट्रांजिशन हो रहा है टॉकीज़ में और जो टॉकिंग मूवीज़ में। अब जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं अभी तक बोलते नहीं थे उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चीज़ इसमें दिखाई जा रही है, साथ ही साथ जो बटलर्स और वर्कर्स हैं वो कितना एक्साइटेड हैं यहाँ पर शूटिंग होने की वजह से, और उनका रिलेशनशिप जो पुराने हैं उनका रिलेशनशिप अपने मास्टर्स से क्या है, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है और आपस में क्या, और उनके एम्बिशंस क्या हैं, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर एक गे पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया गया है, उस समय उनको क्या सफ़र करना पड़ता था, किस तरीके से वो लोगों के सामने नहीं कह सकते थे, दबी छुपी जबान में बात करते थे। तो 1928 की जो है टाइमलाइन दिखाई जा रही है यहाँ पर और काफ़ी हंकी डोरी और बढ़िया इमेज बनाने की इसमें कोशिश की जा रही है। सबके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, एक दूसरे की लोग बुराई नहीं करते हुए इसमें दिख रहे हैं। तो मैंने तो ओवरऑल जो मूवी है उसको काफ़ी मज़े लेकर देखा है और मुझे अच्छी लगी है। बट कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें डार्क साइड दिखाई जाती है और यही सेम सिचुएशन में किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग और सारे षड्यंत्र चलते हैं और किस तरीके से बार्बरिक तरीके से लोग अपने वर्कर्स से काम कराते थे, तो वो भी कुछ मूवीज़ में आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, सब कुछ सनी ब्राइट है और कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी चेंज भी किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और मैंने इसको काफ़ी इन्जॉय किया है। सो ग्रैंड मदर मुझे बहुत पसंद आई है, उनके जो कमेंट्स हैं, वो खुद एक्ट्रेस हैं और वो एक्ट्रेस पे कमेंट करती हैं, फिल्म मेकिंग के बिज़नेस पे कमेंट करती हैं कि आई वुड रादर ईट पेबल्स, कि मैं ये काम करूँ तो वो खुद एक्ट्रेस हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगा है। मैडम मैगोनिगल याद होंगी आपको हैरी पॉटर की, वही हैं इसमें। सो आप आराम से देखिए, अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तब भी आपको ऐसा बहुत नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपने देखी है तो और मज़ा आने वाली है। सो दैट्स इट, बाय बाय।